सो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि बिना एटीएम कार्ड के जो है आप फोन पे अकाउंट कैसे आप बना सकते हैं, जो कि जो है फोन पे का जो है एक न्यू अपडेट आ गया है, जो कि अब जो है आप फोन पे में जो है बिना एटीएम कार्ड के आप अकाउंट बना सकते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से जो है फोन पे में बिना एटीएम कार्ड के जो है आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको फोन पे ऐप को जो है ओपन कर लेना है, और आपको जो है मोबाइल नंबर से साइन इन कर लेना है। जो मोबाइल नंबर जो है आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है उसी मोबाइल नंबर से जो है आपको साइन इन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो है एक प्रोफाइल का आइकन दिख जाएगा, देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि जो मोबाइल नंबर यहाँ पे ये शो कर रहा है ये मोबाइल नंबर जो है आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये आपको देख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले केवाईसी डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो ग्रीन टिक यहाँ पे लग चुका है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको केवाईसी डिटेल्स जो है आपको कंप्लीट कर लेना है, जो कि आपको जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको जो है आधार नंबर डालकर और ओटीपी डालकर जो है केवाईसी डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले केवाईसी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। अगर आप जो है बिना एटीएम कार्ड के जो है आप फोन पे में अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे केवाईसी आपको कंप्लीट कर लेना है, जो कि बिल्कुल आसान है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आपको जो है आधार नंबर डालकर जो है आप केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे आपको बैंक चलाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है काफ़ी सारे बैंक का नाम यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो है बैंक अकाउंट किस बैंक में आपको यहाँ पे सर्च करना है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है मेरा बैंक अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पे बैंक का नाम यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको जो है अपना सेट कर लेना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपके मोबाइल नंबर को जो है वेरीफाई किया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट से जो है यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिसमैच का जो है यहाँ पे एरर आ चुका है, तो फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर को हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से वेरीफाई हो रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं लिंकेड विथ यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख करके आ रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली जो है फाइनली जो है बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेट यूपीआई पिन का, बट उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लास्ट का जो 4 डिजिट नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे नाम, इसके बाद एफएससी कोड, ये सब जो है आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। लेकिन आपको जो है सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है आप फोन पे में बैंक अकाउंट लिंक करेंगे तो आपको यूपीआई पिन सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो है अगर आप फोन पे से जो है किसी को आप पैसे ट्रांसफर करेंगे तो आपसे यूपीआई पिन मांगा जाएगा। तो अगर आप यूपीआई पिन सेट करेंगे तभी जो है आपको जो है फोन पे से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको जो है नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा सेट यूपीआई पिन का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे एटीएम कार्ड का जो है लास्ट का 6 डिजिट नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाता है, और एक एटीएम कार्ड का जो है एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर डालने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ कि आप बिना एटीएम कार्ड के जो है फ़ोनपे में अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना, नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है डोंट हैव ए डेबिट कार्ड, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं एडिंग ए बैंक अकाउंट ऑन फोन पे, तो आपको जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे जो है कुछ आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से जो है आप प्ले करके देख सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ टर्म ऑफ कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना है, सीधे आपको जो है बैक चले आना है और आपको जो है इसी पेज पे आ जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट नंबर यहाँ पे मांग रहा है। तो मैं आपको बता दूं अभी जो है मतलब फोन पे की तरफ से जो है अपडेट आ चुका है, जैसे कि जो है बहुत सारे बैंक में जो है यहाँ पे बिना एटीएम कार्ड के जो है बैंक अकाउंट ऐड हो रहा है, जैसे कि जो है जैसे कि आपका बैंक जो है सेंट्रल बैंक है या एक्सिस बैंक है, इस ये बैंक सब में जो है आपको मतलब आधार कार्ड का जो है ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, यानी कि जो है अब आप जो है आधार नंबर से जो है आप यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो है सेंट्रल बैंक या एक्सिस बैंक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है कुछ दिन इंतज़ार करना है और आपको जो है सभी बैंक में जो है यहाँ पे यूपीआई पिन सेट करने का जो है आधार नंबर से ऑप्शन मिल जाएगा।
जो कि यहाँ पे जो है अपडेट आ रहा है, थोड़ा दिन जो है आपको समय लगेगा और आप जो है सिर्फ आप मतलब बिना एटीएम कार्ड के जो है फ़ोनपे में आप यूपीआई पिन सेट कर पाएंगे, जो कि जो है आधार कार्ड से जो है एक न्यू अपडेट आया है कि आधार कार्ड के जरिए यानी कि जो है आप आधार नंबर से मतलब यूपीआई पिन आप सेट कर सकते हैं। आधार नंबर डालेंगे उसके बाद जो है आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी रिसीव होगा और ओटीपी डालकर जो है आप फ़ोनपे में यूपीआई पिन सेट कर पाएंगे, यानी कि जो है बिना एटीएम कार्ड के फ़ोनपे में यूपीआई पिन सेट कर पाएंगे। तो आप इसी तरीके से जो है आप बिना एटीएम कार्ड के जो है फोन पे में बैंक अकाउंट ऐड कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है, सीधे आपको बैंक चले आना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पैसे ट्रांसफर करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको टू मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, टू बैंक यूपीआई आईडी का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे टू सेल्फ अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप जो है इस पर क्लिक करके जो है आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, यहाँ पे इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, ये सब आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कुछ इसी तरीके से जो है आप फोन पे में बिना एटीएम कार्ड के जो है आप अकाउंट बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।